समस्त वैदिक दर्शनों और वैदिक मतों पर पड़ा है। सांख्य दर्शन की जो सृष्टि प्रक्रिया है पुराणों में उसी के आधार पर सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। तथागत बुद्ध जब घर छोड़कर निकले थे तो वे पहले सांख्यवादी चिंतक आलार कालम के पास ही गए थे और उनके पास कुछ दिन रहकर सीखे समझे थे। इसलिए बौद्ध मत पर सांख्य दर्शन का भी काफ़ी प्रभाव है। जैन दर्शन और सांख्य दर्शन में भी कई बातों में निकटता है। तो जिन्हें हम वैदिक दर्शन कहते हैं, वैदिक दर्शन में न्याय वैशेषिक मीमांसा ब्रह्मसूत्र और ये समस्त वैष्णव दर्शन, ये सब इनमें तो सांख्य का प्रभाव है, लेकिन जिनको वैदिक नहीं कहा जाता बौद्ध और जैन, उन पर भी सांख्य का प्रभाव पड़ा है। सांख्य दर्शन के प्रणेता है महर्षि कपिल, और महर्षि कपिल भारतीय दर्शनों के जनक माने जाते हैं। महर्षि कपिल की चर्चा बहुत से प्राचीन ग्रंथों में है। शताशतर उपनिषद में कहा गया है, ऋषिम प्रस्तम कपिलम यस्तमग्रे, अर्थात पहले कपिल ऋषि पैदा हुए। गीता में तो कहा ही गया है सिद्धानाम कपिलो मुनि, श्री कृष्ण के मुख से कहलवाया गया कि सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ। महाभारत में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से सांख्य की जो महिमा कही है वहाँ पर उससे सांख्य की प्रसिद्धि का पता चलता है। सांख्य की प्रशंसा करते हुए भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं, ज्ञानम महद्बुद्धि महत्सुराजन वेदेषु सांख्य तु तथैव योगे, यच्चापि दृष्टं विविधं पुराणे सांख्यागतं तन्निखिलं नरेन्द्र। हे नरेन्द्र, हे राजन, महात्माओं में, वेदेषु वेदों में, दर्शनों में, योग शास्त्र में और पुराणों में जो कुछ उत्तम ज्ञान देखा जाता है वह सब सांख्य दर्शन से आया हुआ है। इतना ही नहीं, यत्येतिहासेषु महत्सु दृष्टम, यत्तार्थशास्त्रे निरूपणसृष्ट जुष्टे, ज्ञानम च लोके यद्यास्ति किंचित सांख्यागतम च महात्मना। बड़े बड़े इतिहासों में पवित्र महात्माओं से सेवित अर्थशास्त्रों में, यहाँ तक संसार में जो कुछ भी महान ज्ञान देखा जाता है वह सब सांख्य से आया हुआ है। सांख्य का ज्ञान कैसा है? सांख्यम विशालम परमम पुराणम महारणम विमल मुदारकांतम कृतस्नम च सांख्यम नृपते महात्मा नारायणो धार्यते अप्रमेय, महात्मा नारायणो धार्यते अप्रमेयम। सांख्यम पुराणम, सांख्यम विशालम परमम पुराणम, सांख्य का ज्ञान अत्यंत विशाल है। परमम पुराणम अत्यंत प्राचीन है। महारणवम, महारणवम महासागर के समान है। विमल मुदारकांतम, विमल है, निर्मल है, उदार भावों से भरा हुआ है और ज्योतित है, ज्वलंत है, प्रकाशमान है। इस प्रकार
महाभारत में भीष्म ने युधिष्ठिर से सांख्य की प्रशंसा की है। भागवत पुराणकार सांख्य की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि यह संसार समुद्र मृत्यु का रास्ता है। इस संसार समुद्र से पार पाना बहुत कठिन है, परंतु महर्षि कपिल ने इस विशाल संसार सागर से पार पाने के लिए, इसे तरने के लिए सांख्य दर्शन रूपी एक मजबूत नौका बना दी है, जिसका आधार लेकर मुमुक्ष संसार सागर से सहज ही पार पा सकते हैं। इस प्रकार सांख्य और कपिल की महिमा प्राचीन ग्रंथों में है। हिंदू परंपरा में जो 24 अवतार माने गए हैं, उन 24 अवतारों में कपिल की भी गणना है। कपिल को 5वां अवतार बताया गया है। चार्वाक दर्शन पर चर्चा करते हुए ये बात आई थी कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में चार विद्याएं बताई थी, त्रयी, वार्ता, दंड और अनविक्षिकी। और अनविक्षिकी विद्या में उन्होंने बताया था सांख्य, योग और लोकायत। तो ये सांख्य अनविक्षिकी विद्या है। सांख्य दर्शन का सांख्य नाम पड़ा क्यों? सांख्य का अर्थ क्या होता है? सांख्य के प्रमुख दो अर्थ होते हैं। एक संख्या, गणना, गिनती, और दूसरा अर्थ है तत्व ज्ञान या विवेक ज्ञान। सांख्य दर्शन में तत्वों की गणना है, प्रकृति, महद्बुद्धि, अहंकार, तन्मात्रा, पंच प्रकृति, पंच विषय, शरीर, इंद्रिय, इस प्रकार से तत्वों की गणना की गई है, संख्या बताई गई है। इसलिए इस दर्शन का नाम सांख्य दर्शन पड़ा है। लेकिन जो दूसरा अर्थ है तत्व ज्ञान या विवेक ज्ञान, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पुरुष और प्रकृति के स्वरूप को न जानने के कारण, पुरुष और प्रकृति के संबंध में अज्ञान के कारण संसार बंधन बना हुआ है। जब पुरुष और प्रकृति दोनों का विवेक हो जाता है कि पुरुष प्रकृति से सर्वथा अलग और भिन्न है, प्रकृति से सर्वथा स्वतंत्र है, तब संसार बंधन कर पुरुष का मोक्ष हो जाता है। प्रकृति और पुरुष का जो भिन्न विवेक ज्ञान है, इस विवेक ज्ञान और पुरुष का जो भिन्न विवेक ज्ञान है, इस विवेक ज्ञान के कारण ही इस दर्शन का नाम सांख्य दर्शन पड़ा है। सांख्य का अर्थ होता है तत्व ज्ञान या विवेक ज्ञान। महर्षि कपिल कब हुए हैं, इनका काल निर्धारण करना बहुत कठिन है। लेकिन इतना तो मानना पड़ेगा कि प्राक इतिहास काल के हैं, तथागत बुद्ध से भी काफी पहले के हैं। महर्षि कपिल के शिष्य माने जाते हैं आसुरी। आसुरी के शिष्य माने जाते हैं पंचसिख, और पंचसिख के बाद आते हैं जैगी सभ्य। आसुरी, पंचसिख और जैगी सभ्य ये सांख्य दर्शन के बड़े बड़े विद्वान हैं,
जैगि सभ्य के बाद सांख्य दर्शन में और कौन कौन विद्वान हुए इसका पता नहीं चलता, लेकिन यज्ञ सभ्य के बाद जो प्रसिद्ध सांख्य दार्शनिक हैं वे हैं ईश्वर कृष्ण, जिनकी सांख्यकारिका के आधार पर आज पूरी दुनिया में सांख्य दर्शन पर चिंतन होता है, पढ़ाई होती है। ईश्वर कृष्ण का काल ईसा मसीह के आसपास माना जाता है। जिनकी लिखी सांख्यकारिका केवल 72 कारिकाओं की पुस्तक है। कारिका का अर्थ होता है श्लोकबद्ध व्याख्या, एक गद्य में व्याख्या होती है और एक पद्य में व्याख्या होती है। जो पद्य में व्याख्या होती है उसको कहते हैं कारिका। और ईश्वर कृष्ण ने ये कहा है अपनी कारिका में कि यह पवित्र और श्रेष्ठ ज्ञान महामुनि कपिल ने कृपा करके आसुरी को दिया, आसुरी ने पंचसिख को दिया और पंचसिख ने इसका खूब प्रचार किया। इस प्रकार से इसकी सांख्य की परंपरा चलती है। सांख्य दर्शन प्रकृति और पुरुष केवल दो तत्व मानता है। हम अपनी भाषा में उसे जड़ और चेतन कहते हैं। प्रकृति जड़, पुरुष चेतन। चेतन के लिए, आत्मा के लिए सांख्य दर्शन में कहीं भी चेतन, जीव या आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, केवल पुरुष का ही प्रयोग हुआ है। और यही बात योग दर्शन में भी है, क्योंकि योग दर्शन को स्वतंत्र दर्शन नहीं है, क्योंकि योग दर्शन को स्वतंत्र दर्शन नहीं है। योग दर्शन ने सांख्य दर्शन के तत्चिंतन को स्वीकार किया है और उसका एक व्यवहारिक रूप ध्यान समाधि पर जोर दिया है। पुरुष और प्रकृति ये दो तत्व हैं, दो मूल पदार्थ हैं। सांख्य दर्शन में ईश्वर के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, जड़ है। ये जो संसार दिखाई पड़ता, अनंत ब्रह्म संसार दिखाई पड़ता, अनंत ब्रह्मांड, ये प्रकृति के कार्य हैं। सांख्य दर्शन ये नहीं कहता कि ये प्रकृति, ये संसार मृग मरीचिका है, मृग मरीचिका है, स्वप्नवत है या भ्रम है। किंतु सांख्य दर्शन ये मानता है कि संसार यथार्थ है। और सांख्य दर्शन इसीलिए सत्कार्यवादी दर्शन है। पुरुष और प्रकृति दोनों को अनादि मानता है सांख्य दर्शन। उसमें बताया गया कि प्रकृति त्रिगुणात्मिका है और उस प्रकृति से ही ये सारा संसार उत्पन्न हुआ है। प्रकृति का है कार्य है, उत्पन्न हुआ क्या कहना चाहिए। सांख्य दर्शन सत्कार्यवादी दर्शन है। सत्कार्य वाद का अर्थ क्या होता है? सत्कार्यवाद उसे कहते हैं जो यह मानता है कि कार्य अपने उत्पत्ति के पूर्व अपने कारण में विद्यमान रहता है। यह सत्कार्यवादी दर्शन है। कार्य कारण में पहले से ही विद्यमान होता है, तभी वह उससे उत्पन्न होता है। यदि कार्य अपने कारण में विद्यमान न हो तो उसे वह उत्पन्न कैसे हो सकता है? घड़ा मिट्टी में पहले से विद्यमान है, तभी वह घड़ा मिट्टी से घड़ा मिट्टी में पहले से विद्यमान है, तभी वह घड़ा मिट्टी से उत्पन्न हो रहा है। हाँ, इतना कह सकते हैं कि कार्य की अव्यक्तावस्था का नाम कारण है और कारण की व्यक्तावस्था कार्य है। न्याय दर्शन का सिद्धांत इसके बिल्कुल उल्टा है। न्याय दर्शन असत कार्यवादी दर्शन है। वह कहता है नहीं,
कार्य बिल्कुल अलग है और कारण बिल्कुल अलग है। कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान नहीं रहता, यह न्याय दर्शन का सिद्धांत है। कपिल का सिद्धांत इससे बिल्कुल उल्टा है। उनका कहना है कि कार्य उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान रहता है। सत्कार्यवाद के लिए सांख्य दर्शन 5 तर्क देते हैं, असद करणात्, उपादान ग्रहणात्, सर्वसंभवाभावात्, सक्त ससक्त कारणात्, कारण भावात्, सत्कार्यम। कैसे हम माने कि कारण में कार्य पहले से विद्यमान रहता है? सांख्य दर्शन का कहना है असद करणात्, कार्य कारण में पहले से विद्यमान होता है तभी उत्पन्न होता है। अविद्यमान जो वस्तु है, जिस वस्तु की सत्ता नहीं है, जिसकी विद्यमानता नहीं है, लाख प्रयत्न करने पर भी वह वस्तु उत्पन्न नहीं की जा सकती। जैसे बालू में तेल नहीं है, आप लोग चाहे लाख प्रयत्न कर लें, लाख बार पेटते रह जाए कोल्हू में बालू को, तेल नहीं निकलेगा। पानी से आप बना चाहे मक्खन, नहीं निकल सकता, क्योंकि पानी में मक्खन है ही नहीं तो निकलेगा कहाँ से? बालू में तेल है ही नहीं तो निकलेगा कहाँ से? कारण में जब कार्य कारण में पहले सिद्धमान होगा तभी तो निकलेगा, सिद्धमान होगा तभी तो निकलेगा। बालू में तेल है ही नहीं, चाहे लाख उपाय करो, पानी में मक्खन है नहीं, जितना मत हो, निकलेगा कैसे? लाखों लाखों कारीगर मिल करके नीला रंग और काला रंग को पीला रंग में परिवर्तित नहीं कर सकते। काला काला रहेगा, वो काला कभी पीला नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें वो गुण है ही नहीं, कार्य है ही नहीं, तो परिवर्तन वो बनेगा कैसे? इसलिए यह मानना पड़ेगा कि कार्य कारण में पहले से विद्यमान रहता है। दूसरा, उपादान ग्रहणात्, जो आदमी कोई चीज चाहता है तो उस चीज के लिए, उस कार्य के लिए उसी वस्तु को ग्रहण करता है जिसमें वह चीज, वह कार्य उद्यमान होता है। जिस कारण में जो कार्य हम उसी को ग्रहण करेंगे। हमें जमाना है दही, तो हम दूध ही तो लाएंगे ना, पानी तो नहीं लाएंगे। भैया लाओ थोड़ा सा कढ़ी बनाना है, 5 लीटर पानी ले आओ, ऐसा तो कोई नहीं कहेगा। हम जानते हैं कि दूध से ही दही जमेगा, तब हम दूध लाते हैं, क्योंकि ये मालूम है कि दही दूध का कार्य है, दूध कारण है। दूध रूपी कारण से ही दही जम सकता है, पानी रूपी कारण से दही नहीं जम सकता। हमें चाहिए तेल, तो हम तिल लाएंगे, सरसों लाएंगे, मूंगफली लाएंगे, कोई ऐसी चीज लाएंगे जिसमें तेल विद्यमान हो, ऐसा कुछ तो नहीं लाएंगे। हमें चाहिए तेल, तो हम कंकड़ तो नहीं लाएंगे। उपादान जो होगा, जिससे वह गुण उत्पन्न हो सकता है, कार्य उत्पन्न हो सकता है, हम उसी को तो पकड़ेंगे ना। इसलिए हमें बनाना है कपड़ा, तो हम धागा ही तो लाएंगे, मिट्टी तो नहीं लाएंगे कपड़ा बनाने के लिए। तो उपादान ग्रहणात्, आदमी जो जिस कार्य को चाहता है उस उत्पत्ति के लिए उसके कारण को ही पकड़ता है। इससे सिद्ध होता है कि कार्य कारण में पहले से विद्यमान होता है। तीसरा तर्क है सर्वसंभवाभावात्। यदि यह माने कि कार्य कारण में पहले से विद्यमान नहीं रहता, तब तो फिर ऐसा हो जाएगा कि सभी कारण से सभी कार्य उत्पन्न होने लगेगा। जैसे कि न्याय का कहना है कि कार्य कारण में पहले से विद्यमान नहीं होता, वह बिल्कुल नई वस्तु है। सांख्य का कहना है यदि ऐसी बात है तो हर कारण से हर कार्य उत्पन्न हो जाएगा। मिट्टी से कपड़ा बन जाएगा, धागा से घड़ा बन जाएगा, क्योंकि बिना कार्य कारण वो है ही नहीं। हमें घड़ा बनाना है तो हम कहें भैया थोड़ा सा कपास ले आओ, घड़ा बनाना है। कहना है कपड़ा बुनना है तो कभी आप थोड़ा सा 5 किलो मिट्टी ले आओ, ऐसा तो कोई नहीं करेगा। यदि बिना कारण के कार्य हो जाएगा तो किसी भी चीज़ से कोई भी चीज़ पैदा होने लग जाएगी। फिर
इसलिए सांख्य कहता है ऐसा नहीं होता है, सब कारण से सब कार्य उत्पन्न नहीं होगा, सब कारण से सब कार्य उत्पन्न नहीं होगा, निश्चित कारण से निश्चित कार्य की उत्पत्ति होगी, तभी और तभी उत्पत्ति तब होगी जब उसका पूर्व से संबंध होगा। सक्त सशक्त कारणात्, ये चौथा तर्क है उनका। सक्त सशक्त कारणात्, जो कारण जिस कार्य को उत्पन्न करने में समर्थ होता है उस सक्त कारण से अर्थात सक्त सक्त संपन्न कारण से सक्त वस्तु की उत्पत्ति होती है। बालू तेल उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है, तेल उत्पन्न करने में तिल ही समर्थ है, इसलिए यह मानना पड़ेगा कि कार्य कारण में पहले से विद्यमान है। कारण भावाच, कार्य और कारण का अभेद संबंध होता है। इतना कह सकते हैं कि कार्य कारण का केवल रूपांतर है, केवल कारण में और कार्य में केवल अवस्था भेद है, तात्विक भेद नहीं है। मिट्टी धरा मिट्टी रूप ही है, इतना हम कह सकते हैं कि मिट्टी के आकार में और घड़ा के आकार में अंतर हो गया है, लेकिन घड़ा मिट्टी से सर्वथा भिन्न नहीं है, कपड़ा धागा से सर्वथा भिन्न नहीं है। हाँ, धागा के आकार में, धागा के गुण में और कपड़ा के गुण में अंतर हो गया है, लेकिन कपड़ा धागा रूप ही है, घड़ा मिट्टी रूप ही है। अतः मानना पड़ेगा कि कार्य कारण में सतरूप में विद्यमान रहता है, तभी उत्पन्न होता है। यह है सांख्य का सत्कार्यवाद। इस सत्कार्यवाद के दो रूप हैं, एक है परिणामवाद, दूसरा है विवर्तवाद। परिणामवाद सांख्य का है, विवर्तवाद स्वामी शंकराचार्य का है। वस्तु के स्वरूप परिवर्तन को, वस्तु के अवस्था परिवर्तन को परिणाम या विवर्त कहते हैं। सांख्य का परिणामवाद और स्वामी शंकराचार्य का विवर्तवाद, दोनों में फर्क क्या है? सांख्य का कहना है जब कोई वस्तु अपने स्वरूप को छोड़कर दूसरा रूप ग्रहण कर लेती है तब उसे परिणाम कहते हैं। जैसे दूध का दही बन जाना, दूध के आकार में दही के आकार में अंतर हो गया, दूध पतला होता है दही गाढ़ा होता है, दूध मीठा होता है दही खट्टा होता है दूध से ही दही बना है, दोनों अलग नहीं, लेकिन दोनों के गुण में आकार में परिवर्तन हो गया। लेकिन परिवर्तन, ये जो परिवर्तन हुआ है स्वाभाविक परिवर्तन है, असली परिवर्तन है। जैसे मिट्टी घड़ा बन गई, तो मिट्टी के आकार में घड़ा के आकार में अंतर हो गया, मिट्टी में हम पानी नहीं भर सकते, घड़ा में हम पानी भर सकते हैं, गुण में भी अंतर हो गया। लेकिन बस हम ये कहते जरूर हैं कि घड़ा मिट्टी रूप ही है, घड़ा भी स्वतंत्र है या मिट्टी भी स्वतंत्र है, दोनों सत है। विवर्तवाद क्या कहता है, इससे अलग है। विवर्त का अर्थ है कि जो कार्य दिखाई पड़ता है वह वास्तविक नहीं है, केवल आभास है, जैसे रस्सी देख करके सांप का भ्रम होना। रस्सी में सांप नहीं है लेकिन प्रतीति हो रही है, ऐसे ही ब्रह्म में जगत नहीं है लेकिन जगत की प्रतीति होती है। सांख्य कहता है कि मिट्टी से घड़ा बन गया, घड़ा भी सत्य है मिट्टी भी सत्य है। विवर्तवाद कहता है कि घड़ा का केवल आभास हो रहा है, भ्रम हो रहा है, घड़ा नाम की चीजें नहीं है। ऐसे ही ब्रह्म से जगत बन गया, जगत नाम की कोई चीजें नहीं है, सत्ता तो केवल ब्रह्म की है, जगत का भ्रम होता है। ये है शंकर का विवर्तवाद। तो दोनों सत्कार्यवादी हैं, लेकिन एक परिणामवादी हैं और एक विवर्तवादी हैं। तो खास बात यह है कि सांख्य ये कहता है कि कार्य
उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान रहता है। यह है सांख्य का सत्कार्यवाद। अभाव से भाव नहीं होता, असत्य से सत्य की उत्पत्ति नहीं होती। दृश्यमान जगत का जो कारण है वह भी यथार्थ है और दृश्यमान जो जगत है वह भी यथार्थ है। जगत भ्रम नहीं है, जगत भी सत्य और जगत का जो कारण प्रकृति है वह भी सांख्य जगत का कारण ईश्वर को नहीं मानता, ब्रह्म को नहीं मानता। कहता जगत का कारण तो प्रकृति है, प्रकृति हम देख नहीं सकते, देखते हैं व्यक्त जगत को ही, लेकिन इसका कोई कारण है वो प्रकृति है और वो जड़ है, सर्वथा जड़ है। सांख्य दर्शन तीन प्रमाण स्वीकार करता है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। इन तीनों के अलावा और कोई प्रमाण सांख्य स्वीकार नहीं करता। पहले बताया गया कि सांख्य दर्शन प्रकृति और पुरुष दोनों को सर्वथा भिन्न भिन्न मानता है। प्रकृति के गुणधर्म बिल्कुल अलग हैं और पुरुष के गुणधर्म बिल्कुल अलग हैं। प्रकृति है जैसे कि ब्रह्मवाद कहता है प्रकृति की सत्ता ही नहीं है, सत्ता तो केवल ब्रह्म की है, चेतन की है, आत्मा की है। ये जगत है प्रकृति तो भ्रम से आभास होता है। सांख्य कहता है नहीं, पुरुष अलग है और प्रकृति अलग है और दोनों नित्य है, अनादि है, दोनों एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है। प्रश्न होता है कैसे हम जाने कि प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता है, प्रकृति के अस्तित्व का प्रमाण क्या है। प्रकृति की सत्ता के लिए सांख्य दर्शन पांच तर्क देता है। भेदानाम परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तेश्च कारण कार्य विभागात् विभागात् द्वयवस्वरूपश्च। भेदानाम परिमाणात्, संसार के सारे कार्य पदार्थ परिमित हैं, सीमित हैं, परतंत्र हैं। घड़ा मिट्टी का कार्य है लेकिन घड़ा सीमित है, मिट्टी सीमित नहीं है। घड़ा परतंत्र है क्योंकि घड़ा मिट्टी से बना है लेकिन मिट्टी परतंत्र नहीं है। अपने अस्तित्व के लिए मिट्टी को घड़ा पर अवलंबित नहीं होना पड़ेगा लेकिन घड़ा को अपने अस्तित्व के लिए मिट्टी पर अवलंबित होना पड़ेगा। घड़ा सीमित भी है और मिट्टी पर अवलंबित है लेकिन मिट्टी भी सीमित है और परतंत्र है। वो किससे अवलंबित है? प्रकृति पर अवलंबित है, प्रकृति का कार्य है मिट्टी। तो हर कार्य किसी न किसी कारण पर अवलंबित होता है। ये संसार के जो दिखाई पड़ रहा है, पृथ्वी दिखाई पड़ रही है, सूर्य दिखाई पड़ रहा है, चांद दिखाई पड़ रहा है, समुद्र दिखाई पड़ रहा है, पेड़ पहाड़ दिखाई पड़ रहे हैं, ये सब के सब कार्य हैं और सारे कार्य सीमित। पृथ्वी जहाँ जहाँ तक हो सीमित है, सूर्य चाहे जितना बड़ा हो सीमित है और जितने बड़े तारा हम मान लें वो सीमित हैं, वो किसी न किसी का कार्य है, परतंत्र है। तो हर कार्य सीमित है, परतंत्र है लेकिन उसका जो कारण होगा वो अपरिमित है, स्वतंत्र है। वह अपरिमित पदार्थ, वो स्वतंत्र पदार्थ क्या है? वही है प्रकृति। समन्वयात्, संसार के सारे पदार्थ त्रिगुणात्मक हैं, सतरजस्तम तीन गुणों से परिपूर्ण हैं। इसके साथ साथ संसार के सारे कार्य पदार्थ सुख उत्पन्न करने वाले हैं, दुख उत्पन्न करने वाले हैं और मोह उत्पन्न करने वाले हैं। मोह अर्थात मूढ़ता, आसक्त, सुख दुख और मोह उत्पन्न करने वाले हैं संसार के सारे पदार्थ। कारण में यदि गुण ना हो तो कार्य में गुण कहाँ से आएंगे? त्रिगुण प्रकृति में गुण ना हो, सतरजस्तम के गुण ना हो तो कार्य में कैसे आएंगे ये पदार्थ? तो कारण प्रकृति है, प्रकृति त्रिगुणात्मक है, तब संसार के पदार्थों में त्रिगुण दिखाई पड़ते हैं। इसलिए सबका समन्वय कहाँ होता है? प्रकृति में। समन्वय का अर्थ क्या है? सादृश्यता, अनुरूपता। कारण के समान कार्य अपने कारण के समान होता है और संसार के सारे पदार्थ त्रिगुणात्मक हैं और प्रकृति त्रिगुणात्मक है, इसलिए सबका समन्वय कहाँ जाएगा, सादृश्यता कहाँ जाएगी? प्रकृति में। शक्तितः प्रवृत्तेश,
पहले बताया गया है कि प्रत्येक कार्य कारण से उत्पन्न होता है और कार्य अपने कारण में अव्यक्त रूप में निहित होता है, छिपा होता है। कारण की शक्ति से कार्य उत्पन्न होता है, असमर्थ कारण से कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता। पूरा संसार कार्यों का समूह है। हम देखते हैं संसार में कितनी वस्तुएं बन रही हैं, पूरा संसार कार्यों का समूह है। हर क्षण कोई ना कोई चीज़ उत्पन्न होती रहती है, तो पूरा संसार कार्यों का समूह है और हर कार्य किसी न किसी कारण में जाकर के समाविष्ट होता है और हर कार्य किसी न किसी कारण में अव्यक्त रूप में निहित होता है। तो सबका जो मूल कारण क्या है, वह है प्रकृति। कारण कार्य विभागात, ये भी समझना होगा। कारण कार्य कारण से उत्पन्न तो हुआ, लेकिन उत्पन्न होने के बाद कार्य अपने कारण में लीन भी हो जाता है। जैसे घड़ा मिट्टी से बनेगा, लेकिन फूट करके कहाँ जाएगा घड़ा? आकाश में तो उड़ेगा नहीं, मिट्टी में तो समाहित होगा ना। तो कार्य किसी कारण से उत्पन्न होकर के कारण में लीन होता है। घड़ा मिट्टी से बनकर मिट्टी में लीन हो जाएगा, ऐसे ही स्थूल कार्य सूक्ष्म कारण में लीन हो जाएगा। तो एक श्रृंखला होती है बनने की, एक क्रम होता है बनने का। कैसे बनता है कारण से कार्य का विभाग कैसे होता है? सांख्य कहता है प्रकृति से महतत्व उत्पन्न हुआ। महतत्व को ही कहा गया है महत बुद्धि या केवल बुद्धि। बुद्धि से अहंकार, अहंकार से तन्मात्रा, तन्मात्राओं से पृथ्वी, ये सब इस प्रकार से एक उत्पन्न होने का कारण होता है। तो कारण कार्य विभागात, कारण से कार्य उत्पन्न होने की एक श्रृंखला होती है और मूल कारण क्या है? प्रकृति। प्रकृति ना हो तो संसार का कोई कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता। और अंत में अविभाग वै स्वरूपश उल्टा चलिए, प्रकृति पृथ्वी कार्य है, ये कहाँ विलीन होगी? अपने कारण में। कारण क्या है इसका? तन्मात्रा। तन्मात्रा का कारण क्या है? अहंकार। अहंकार का कारण क्या है? बुद्धि। बुद्धि का कारण क्या है? प्रकृति। इस प्रकार से जब लीन प्रलय की अवस्था आती है, तब उल्टे ग्रह से चल करके हर पदार्थ सब प्रकृति में जाकर के विलीन हो जाती है। उसके विलीन होने का एक आधार चाहिए, अवलंब चाहिए। सांख्य सृष्टि मानता है, प्रलय मानता है, लेकिन प्रकृति को नित्य मानता है। तो एक सृष्टि हुई, तो सृष्टि जब हुई तो उसका एक क्रम होगा बनने का। तो जो कोई कारण ही नहीं होगा जिससे कोई पदार्थ बने, तो संसार की सृष्टि कैसे होगी? कारण प्रकृति है, इसलिए सृष्टि का कारण मानना पड़ेगा प्रकृति को। अब जब प्रलय की अवस्था आई, तब ये संसार जिस रूप में दिखाई पड़ रहा है ऐसा तो रहेगा नहीं, लय हो जाएगा कहीं जा करके किसी कारण में। कहाँ लय होगा? पुरुष में तो लय होगा नहीं, पुरुष तो जो चेतन है वो तो त्रिगुणातीत है, निर्विकार है, कुटस्थ है। तो आखिर कहाँ लय होगा? तो लय होगा त्रिगुणात्मक पदार्थ में, त्रिगुणात्मक कारण में। वो कौन है? प्रकृति। इसलिए सांख्य कहता है कि प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता है और इससे स्वतंत्र सत्ता पुरुष की है। पुरुष इससे सर्वथा भिन्न है। पुरुष का लक्षण क्या है? पुरुष कि हम कैसे जाने कि प्रकृति से पुरुष सर्वथा अलग है?